हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फॉरएवर यूनिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत ही कम रेट यानी कि एकदम सस्ते रेट में आप अपना होम स्टूडियो कैसे तैयार कर सकते हैं काफी कम बजट में। ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने आज रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है एक कंडेंसर माइक्रोफोन जो कि ये लगा है, और एक पॉपअप फिल्टर मैंने आज इसके लिए यूज किया है। साथ ही दोस्तों, मैंने इसमें यूज किया है यामाहा का MG12XU जिसमें 48 वोल्ट की सप्लाई दी है ऑलरेडी, इसीलिए ये कंडेंसर माइक्रोफोन इस मिक्सर में काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज करने वाला हूँ FL स्टूडियो जो कि आप चल रही है रिकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। साथ ही ये एक स्टैंड है जिसमें ये माइक्रोफोन फंसा हुआ है इस स्टैंड में। तो दोस्तों, ये सारा कुछ मिलाकर अगर इसमें बजट की बात की जाए तो मैंने तो यामाहा का मिक्सर यूज किया है MG12XU। आप इसके बिना भी ये काम कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि सिंपली प्लस 48 वोल्ट की सप्लाई अलग से आपको खरीदनी पड़ेगी, या फिर बेरेंजर का जीनेक्स 502 या 802 मॉडल आपको अलग से परचेस करना होगा, जो कि इजीली 3 से 3,500 रुपए में आपका मिक्सर आ जाता है जिसमें सप्लाई है और साथ ही वो आपके कंप्यूटर में रिकॉर्ड भी कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये जो माइक्रोफोन मैं यूज कर रहा हूँ ये असल में BM800 मॉडल का माइक्रोफोन है, तो जो कि कंडेंसर माइक्रोफोन है और स्पेशल होम स्टूडियो के हिसाब से ही इसे बनाया गया है। तो अगर मैं इसे दिखाऊं आपको दोस्तों, तो ये माइक का कवर है जिसमें ये माइक्रोफोन पैक होकर आया था। तो ये कवर देख सकते हैं आप, इसकी कीमत लगभग आपको अमेजोन पर 1,350 रुपए के आसपास मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और वहीं ये पॉपअप फिल्टर है जो कि हमारी सांस की आवाज को या फिर कुछ अलग से अगर खरखराहट वगैरह गला में हो तो कहीं ना कहीं उसको ये फिल्टर कर देता है, तो इसीलिए पॉपअप फिल्टर का यूज किया जाता है। और भी इसके कई सारे काम है, तो ये पॉपअप फिल्टर है। ठीक है दोस्तों, और फाइनली ये है मेरे माइक्रोफोन का स्टैंड जिसे मैंने इसमें ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सारा सेटअप है, और इसकी ये केबल मैंने अपने मिक्सर तक पहुंचाई है, और मिक्सर से मैं इसका आउटपुट लेकर के FL स्टूडियो में इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप भी छोटा मोटा होम स्टूडियो वगैरह चलाना चाहते हैं, गायकी वगैरह या कैरियोके ट्रैक्स वगैरह में गाना चाहते हैं, तो ये माइक्रोफोन आपके बड़े ही काम आ सकता है। और अगर वॉइस क्वालिटी की बात करूं तो स्टूडियो माइक्रोफोन है प्लस कंडेंसर माइक्रोफोन है, तो वॉइस क्वालिटी को लेकर घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी इसमें आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर ऑल ओवर इन सभी चीजों का रेट मैं आपको बताऊं तो लगभग 6 से 7 हजार रुपए में आपका अच्छा खासा होम स्टूडियो तैयार हो जाता है। अगर आप ये तीनों ही प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दे रखी है, साथ ही बेरेंगर के उस मिक्सर की भी लिंक दे रखी है जिससे FL स्टूडियो में आप रिकॉर्डिंग कर सकें। हालांकि इसमें अगर आप बेरेंजर का मिक्सर ले लेते हैं जीनेक्स 502 USB या फिर जीनेक्स 802 USB तो अलग से फिर 48 वोल्ट सप्लाई की आपको आवश्यकता नहीं होती, वो मिक्सर में ही आपको इनबिल्ट मिल जाती है। ठीक है ना, तो इसके लिए दोस्तों आपको लगभग 6 से 7 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और आपका अच्छा खासा, चाहे आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो या फिर यूं मानकर चलिए कि छोटी मोटी गायकी वगैरह या फिर अन्य भी आपका रिकॉर्डिंग का शौक हो या होम स्टूडियो बनाना चाहते हो, तो ये चीज आप ले सकते हैं, काफी अच्छी इसकी क्वालिटी है। दोस्तों, इससे कम बजट में तो शायद ही आपका होम स्टूडियो तैयार हो पाए, लगभग 6,000 रुपए, और यूं कहे अगर आप 502 ले लेंगे अगर बेरेंगर का मिक्सर, तो फिर तो और भी कम में ये हो जाएगा। ठीक है ना, लगभग 4,500-5,000 रुपए में ही आपका ये सेटअप तैयार हो जाता है। तो मैंने सारी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उससे जा करके इसे परचेस कर सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी है। और शादी दोस्तों, अगर कोई मुझसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है या कोई दिल्ली आना चाहता है जिसे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है बेरेंगर वगैरह का या फिर यामाहा का, तो सिंपली उसे जब भी दिल्ली आना हो तो वह नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखकर ये लिखे कि सर मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मुझे सामान चाहिए, तो मैं उन्हें खुद ही कॉल बैक कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, जो चीज मार्केट में ना मिल रही हो उसी चीज के लिए मुझे फोन करें ताकि मैं आपकी सही में हेल्प कर सकूं। ठीक है, जो इजीली मिल जाती है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, साथ ही हो सके तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए।